देखिए आप यहाँ पे देख लोगे वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, तो इन नेटवर्किंग डिवाइसेज में ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड राउटर। राउटर आप बताओ ना क्या बोलो ना, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, मोबाइल फोन और टावर है, जब तक आप टावर की रेंज में तभी तक आपका मोबाइल फोन काम करेगा, लेकिन टावर मोबाइल आपका चार्ज नहीं होता टावर हो गया या आपका मोबाइल फोन राउटर का मेन ये यूज होता है कि राउटर ये क्या कहते हैं जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनको आपस में क्या कहता है कनेक्ट करता है, दैट आपके ये यूज होता है कि राउटर ये क्या कहते हैं जो डिफरेंट नेटवर्क से किराए पे लेते हैं, आप केबल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि केबल का जो फीस वाला होता है काफी महंगा होता है, आप उसे क्या करते हो महीने भर के लिए आप इसे अपने घर पे इसलिए ये कहाँ पे लगा होता है, ये एयरटेल में लगा होता है, आप ये क्या करते हैं ले लेते, तो ये महंगा है ये राउटर है, ठीक है ये आप ये अपना आईएसपी क्या लगा होता है सर तो सामान छूना नहीं है सर, जीवन नीचे नहीं जाएगा, जाओ ना कुछ खिला दो, अब जा रहे हैं नाम
चलिए आप बताइए आप कौन से बैच से हैं? 817 मिस्टर रविकांत सर बैच के। मिस्टर रविकांत, ये बताइए हार्डवेयर मेला आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा सर। कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी कोई रिमार्क देना है तो बताइए। सर ये अच्छा अच्छी थिंग, ये हर महीने के लास्ट वीक में होना चाहिए आपका हार्डवेयर मेला। हर महीने संभव नहीं है सर, दो या तीन महीने के बीच में। दो तीन महीने के बीच में आपका संभव है जी सर। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या है? सही अशोक था। आप बताइए कौन से बैच से हैं? सर 821। एक मिनट यार बताइए इसके बारे में बताइए, अभी जो आपने देखा क्या क्या चीज़ देखा, क्या किस कुछ नया लगा है इसमें? हाँ सर, सर्वर मदरबोर्ड नया लगा। मदरबोर्ड नया लगा? सर्वर मदरबोर्ड सर पहले कभी नहीं देखा था। मदरबोर्ड कभी नहीं देखा था पहले? उसके साथ और कुछ देखा आपने? सर और एटी सीरीज के पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर देखे। हाँ जी सर 8 सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर देखे। और रिकॉर्डिंग सर मैं एड्रेस बार बार हेलो आपसे मैं बोल रहा हूँ। चलिए आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। आपको कैसा लगा हार्डवेयर मेला? इसके बारे में कोई कमेंट्स देना है आपको? शुक्रिया, पहली बार हो रहा है। आई थिंक एवरी 5 मंथ्स में होना चाहिए, एक बार कम से कम एक बार होना चाहिए। इसमें कुछ नया लगा आपको जो अभी आपने हार्डवेयर में नहीं देखा हो और कुछ नया लगा होगा? यस और कुछ जैसे कि आप बताइए। जैसे वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड एंड राउटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरफेस कार्ड। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी डिवाइसेस देखने को मिल गया, ठीक है? ऐसा मतलब मेला होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। चलिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट। माय नेम इज हिमांशु और यहाँ बस मैं प्रेजेंटेशन के लिए देखने के लिए आया हूँ, जिससे मुझे मौका मिले कि जो जो चीज़ मैंने नहीं देखी हुई है वो आज मुझे देखने को मिल जाए। वैसे तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हुई है, नई नई चीज़ें, नए कंपोनेंट्स वगैरह देखे हुए हैं, जैसे कई प्रकार के मदरबोर्ड्स वगैरह हैं। वैसे
हम लोग मदरबोर्ड आजकल P4 वगैरह यूज करते हैं। ये जो हार्डवेयर लैब जो आज हुआ है मेला, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को P1 P2 वगैरह मदरबोर्ड भी देखने को मिल गया है। वैसे तो हम सपोज करते थे, एक सोचते थे ऑनली कि कैसा होता है कैसा नहीं होता, लेकिन आज हमको देखने को मिला P1 वगैरह मदरबोर्ड देखे और रैम वगैरह भी देखी है। वैसे यहाँ पर वायरलेस वगैरह कंपोनेंट देखने को ज़्यादा मिले जो कि मैंने अभी तक देखे नहीं थे। काफ़ी अच्छी लैब लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि हर 2 मंथ में हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे हम लोग रिमेंबर भी होता रहेगा हर एक के कंपोनेंट का। और वैसे तो वायरलेस चीज़ें वायरलेस कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, लैन कार्ड वगैरह जो मैंने नहीं देखा था और मॉडेम वगैरह मैंने नहीं देखा था वैसे, और राउटर्स वगैरह नहीं देखा था। तो वैसे तो यहाँ हार्ड डिस्क वगैरह भी काफ़ी है, वैसे स्कैजी हार्ड डिस्क मैंने देखी थी सुनी थी कि आज लोग मुझे देखने को मिल गया। और साटा वगैरह भी अडाप्टर वगैरह भी है यहाँ पर, यूएसबी डीवीडी रैम। वैसे जाओ आप बता सकते हो कैमरा। वैसे तो ये P1 P2 P3 मदरबोर्ड वगैरह यहाँ पर सर्वर मदरबोर्ड भी रखे हुए हैं और इनका हम लोग डायग्राम वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिला, PCI स्लॉट्स वगैरह उसको किस प्रकार से थे। और इस समय जो भी है जो डुअल कोर प्रोसेसर वगैरह चल रहे हैं मदरबोर्ड चल रहे हैं उसके काफ़ी कुछ डिफरेंस हो उनमें। और P4 मदरबोर्ड तो हम वैसे बेसिकली देखते रहते हैं, लेकिन P1 और ये 80486 मदरबोर्ड जो है काफ़ी पुराना मदरबोर्ड है, मैंने आज तक देखा भी नहीं था उसको। और ये सर्वर मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देखना चाहिए सर्वर मदरबोर्ड। इसके बारे में वायरलेस अडाप्टर भी है यहाँ पर, और PCI साउंड कार्ड जो हम PCI पर लगाते थे साउंड कार्ड का अभी तक हम लोग यूज नहीं दिखाई दिया, आज हमें देखने को मिला कम से कम। और USB कार्ड और उसमें क्या PCI स्लॉट पर क्या क्या लगा सकते हैं उनको भी देखा। जो प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी है, 80486 शायद 85 में आया हुआ था तो हम लोग देखा नहीं था अभी तक। माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी है यहाँ पर, डुअल कोर वगैरह भी है, PCI CPU का फैन है और Pentium 2 डिस्प्ले कार्ड भी हम लगाते हैं, डिस्प्ले कार्ड देखने को मिला आज हमें। लैन कार्ड वायरलेस लैन कार्ड किस प्रकार से हम लगाते हैं वो हमारे फैकल्टी सरों ने बताया है, और मॉडेम कार्ड भी देखा है, मॉडेम कार्ड की यूज भी बताए थे सर ने आज हमको। DDR1 DDR2 DDR3 में आज हमने बेसिकली ये देखा कि कट वगैरह का नॉलेज हुआ, पिन वगैरह का नॉलेज हुआ, उनका स्ट्रक्चर भी देखा है, DVD राइटर, लैपटॉप फ्लॉपी ड्राइव में मैंने आज तक नहीं देखा था लैपटॉप कैसा होता, लैपटॉप में फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार से होती है। वैसे यहाँ डेस्कटॉप फ्लॉपी ड्राइव भी है, लैपटॉप दोनों काफ़ी अंतर है दोनों में। और फ्लॉपी वैसे हम लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता फ्लॉपी ड्राइव होता कैसा है। और ये USB हार्ड डिस्क किस प्रकार से वर्क होती है, पावर वगैरह ये सब हम लोगों ने बताया अभी। इसके ऐसी हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए समझ लीजिए, क्योंकि हमको इस लाइन में रहना है तो इसके ऐसी हार्ड डिस्क से बार बार हमारा इंटरफेस होता रहेगा। इसमें जंपर सेटिंग्स वगैरह सब ने बताया काफ़ी, और साटा हार्ड डिस्क वैसे बेसिकली साटा और ID तो हम देखते रहते, लेकिन इसके ऐसी देखने बहुत कम मिलता है। यह हार्डवेयर लैब की वजह से हम लोग आज ये सब देखने को मिला, लैपटॉप हार्ड डिस्क और जो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क होती है उनके जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिला, और DVD राइटर देखे, USB DVD राइटर देखा, और उनका वैसे यूज़ वगैरह भी सब ने बताया किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। और ये लैन टेस्टर वगैरह जिस किस प्रकार से हम केबल वगैरह लैन केबल को हम UTG केबल वगैरह कैसे चेक करेंगे, और स्विच वगैरह कई अलग अलग पोर्ट के स्विच होते हैं वो आज अलग अलग पोर्ट के स्विच भी देखने को मिला है, और ये हब वगैरह भी देखे हैं, राउटर्स वगैरह जो कि बहुत ही मुश्किल है हम लोगों को देखना, जो कि हम सर्वर CCNA वगैरह देखने को मिले वो आज हमको देखने को मिला। और ये कीबोर्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छे कीबोर्ड अलग अलग मतलब की के हिसाब से डिवाइडेशन जो कीबोर्ड का होता वो भी आज देखने को मिला। USB वायरलेस माउस बहुत ही कम लोगों के पास देखने को मिलता है, लेकिन आज यहाँ सही तरह देखा सब ने बताया उसका यूज़ बताया। TFT वगैरह भी कई प्रकार के होते हैं, आज तक बुकों में देखा था सही तरह से, लेकिन आज प्रैक्टिकली देखा
TFT, LCD और CRT वगैरह, CRT का यूज भी हमारे साथ फैकल्टी वगैरह सब ने बताया था, लेकिन आज अंदर से देखने को मिला किस प्रकार से वर्क होता है। SMPS देखा था 80 और 80X केवल, आज उसमें ये देखा कि भाई कैसे पहचानेंगे हम 80 और 80X को। UPS हाई वोल्टेज UPS 10 VC को बैकअप देगा ये। चलिए ओके, वेरी गुड, थैंक यू। माय नेम इज अभिषेक तिवारी एंड आई एम फ्रॉम कानपुर एंड मैं यहाँ पे जट्टी में पढ़ता हूँ। बैच नंबर मेरा 110। और जैसे कि मैं आज आया हूँ यहाँ पे, कहते हैं कि हमारा हार्डवेयर मेला में, तो हमें यहाँ पे एक से एक नई नई चीज़ें देखने को मिली है जो अभी तक का हमने शायद कभी देखी भी नहीं होगी। मैंने क्या अभी तक का यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हुए होंगे इन्होंने भी नहीं देखी होगी, मगर हम आज इनको क्या कहते हैं एक एक चीज़ें हमारे जट्टी द्वारा आयोजित हमारा हार्डवेयर मेला, उसमें हर चीज़ हमें देखने को मिलेगी। जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, GMP प्रिंटर है और ये इंकजेट प्रिंटर है, शायद ये हमने अभी तक का नहीं देखा है कहीं पे भी, ना इसका यूज़ देखा है, मगर हम आज यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है क्या चीज़ है। और हमारा कहते हैं इंकजेट प्रिंटर है और ये लेज़र प्रिंटर है। हमें नहीं मालूम था कि इंकजेट कौन सा होता है और लेज़र कौन सा होता है, लेकिन ये कहते हैं आज हमारे हार्डवेयर जटकिंग द्वारा आयोजित हमारा हार्डवेयर मेला में जो हमारे और भी सर हैं और ये हमारे कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, ये लेज़र प्रिंटर, ये कैसे हम पहचानते हैं और कैसा दिखता है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें बताने के लिए जो हमारे सर ने हमको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें आज देखने को वो मिल रहा है अच्छी तरीके से। हाँ, और सर हमारा स्कैनर है, तो स्कैनर अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर HP का कहते हैं हमारा लगा HP स्कैनर है जो हमने शायद कभी नहीं देखा था, ना हमारे स्टूडेंट्सों ने कभी देखा था, मगर आज यहाँ पे उनको देखने को ये चीज़ मिल रही है। और ये लैपटॉप, शायद ही हमने लैपटॉप तो अभी तक का देखा भी नहीं होगा, जाए जिनके लैपटॉप पे जब ये हुए होंगे तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। हमारे जटकिंग ने हमको वो सब ला के हमको यहाँ पे सिखाया है, और ये हमारा ब्लोअर जिससे हम क्या कहते हैं हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम या धूल आ जाता है, तो हम इस ब्लोअर के यूज़ के द्वारा हम अपने सिस्टम का सारा डस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। और सर हमारा ये GPS और ये 10 वोल्ट 10 PC को बैकअप ये हमारा सर 10 PC को बैकअप दे सकता है। सर 10 PC कितना बड़ा चीज़ है, सुनने में लग रहा है कि एक चीज़ जरा सा कि 10 PC को दे सकता है बैकअप, जो हमारे जो सर हमारे कंपनी वगैरह में यूज़ होता है और जो हमारे हम आम आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकते ना इसको देख सकते हैं, लेकिन हमारे जट्टी में हमको हार्डवेयर मेला में इस चीज़ को भी दिखाया है। और हमारा सर CRT मॉनिटर जो हमने सिर्फ बाहर से देखा है, चलता हुआ देखा है, लेकिन इसका अंदर का पार्ट्स, इसका अंदर का ये सब चीज़ मटेरियल सब हमने शायद कभी नहीं देखा था, लेकिन हमें आज देखने को मिल रहा है। और सर TFT है, TFT ये CD क्लियर, अभी तक तो सर हमने CD क्लियर का नाम भी नहीं सुना था, मगर जटिंग में आके हमको ये भी देखने को मिला कि CD क्लियर क्या चीज़ है। ठीक सर, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड एंड माउस सब चीज़ रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा ऑप्टिकल है, वायरलेस है और USB है। और सर हमारा ये वायरलेस कीबोर्ड है, तो हमने शायद वायरलेस कीबोर्ड और ऑप्टिकल नहीं देखा, वायरलेस कीबोर्ड और ये वायरलेस माउस नहीं देखा था सर हमने, लेकिन हमको यहाँ पे वो भी देखने को मिला है, हमको देखने को मिला, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिला है, इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी जो जो चीज़ें शायद उन्होंने नहीं देखी होगी उनको वो चीज़ें देखने को मिली है। ये राउटर, सर राउटर हम आम यहाँ पे नहीं देख सकते, यहाँ पे क्या कहते हैं इसका राउटर कंपनी सभी कुछ लोगों को नहीं मालूम है कुछ बच्चों को, लेकिन ये राउटर सर सिर्फ कंपनी वगैरह में यूज़ होता है। राउटर हब जो इतने महंगे होते हैं सर, ये हम इतने बहुत कॉस्टली होता है सर ये, और क्या कहते हैं सर ये हब, ये क्रिपिंग टूल्स जैसे MRG45 केबल्स को इसी से क्रिपिंग टूल्स के द्वारा कहते हैं सर एक बच्चों तैयार कर देश करते हैं। लैन टेस्टर है हमारा, जो हमारे PC बहुत सारे कनेक्ट होते हैं उसमें लैंड टेस्टर का यूज़ करके उसको चेक कर सकते हैं। ये USB DVD ड्राइवर जो हम अलग से क्या कहते हैं एक्सटर्नल इसको बोल सकते हैं, क्या कहते हैं इसको किसी PC में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हर चीज़ से काम आता है। ये सी ड्राइवर जो आपके क्या कहते हैं PC में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। और ये फ्लॉपी क्लीनर जो हमने कभी नहीं देखा था, फ्लॉपी क्लीनर यहाँ पर वो भी देखने को हमको मिला है। सर ये फ्लॉपी ड्राइव जो हमारे, और ये मैं लैपटॉप हार्ड डिस्क, सर हमने शायद हार्ड डिस्क कभी लैपटॉप की देखी भी नहीं होगी, लेकिन हमें आज देखने को मिलता है क्योंकि हम अपने सिस्टम को खोल के सर देख नहीं सकते। जैसे हमारे जटकिंग में हमको क्या कहते हैं ये भी लैपटॉप हार्ड डिस्क का, और ये हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे हार्ड डिस्क है जिसमें कि हमारा मेन है स्केजी हार्ड डिस्क जो हमने शायद यहाँ पर आके देखा है और कहीं पर भी नहीं देखा है सर। और ये हमारे USB हार्ड डिस्क है, ये इसी तरीके से जटकिंग के द्वारा यहाँ पे ये लैंड कार्ड्स, DVD, RAM, ये RAM है, और ये कहते हैं सर प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे देखने को भी मिला है,
कौन कौन सी रैम होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है सर, क्या पावर होता है, क्या पिंस होती है, क्या वोल्टेज होता है, ये सब आके हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और हमारे सर लोगों ने हमें एक से एक चीज़ें यहाँ पे दिखाई है और एक से एक चीज़ें बताई हैं। आज तक सर हमने सिर्फ पढ़ा था, उसको देखा नहीं था अच्छे तरीके से, लेकिन जटकी के द्वारा हम आज ये सब देखने को हमको मिल रहा है कि हमारा प्रोसेसर किस किस टाइप के प्रोसेसर होते हैं, कौन से पेंटियम फोर है, कौन सा क्या कहते हैं पेंटियम वन है, सब हमें देखने को मिल रहा है। सर पुराने पुराने 80486 ये तो सर बहुत पुराना है, ऐसा है लगभग 1985 का है ये तो सर, जब तो हम बहुत नहीं होंगे जब का प्रोसेसर है ये। और ये हमारा सर डीवीडी कैप्चर कार्ड है, यूएसबी कार्ड है, हमारे पीसीआई में कौन कौन से कार्ड लगते हैं सर, ये सब हमको यहाँ पे जेटकिंग के द्वारा देखने को मिल रहा है। और ये हमारा सर्वर मदरबोर्ड है जो हम आम तरीके से नहीं देख सकते हैं, ये सब हमें क्या कहते हैं सर्वर पर जाके देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे कहते हैं जेटकिंग में यह भी यहाँ पर दिखाया कि इसमें दो प्रोसेसर भी लगते हैं, कि जो शायद हमने सिर्फ नाम से सुना था कि एक मदरबोर्ड में दो प्रोसेसर लगते हैं सर्वर में, लेकिन हमें वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। सपोज करते सर हम यहाँ पे अधिकतर चीज़ें जो इतनी है जो हम सपोज करते थे शायद जो हमें देखने को कहीं पे भी नहीं मिलती थी, लेकिन वो यहाँ पे देखने को मिली है। और एक नई चीज़ें हमें सर देखने को मिली जेटकिंग के द्वारा, ये मैं चाहूँगा ये हर दो तीन महीने में एक बार हुआ करे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सर ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि ये क्या होता है, उन्हें वो पढ़ते हैं मगर उन्हें अपने सामने देखने का मौका नहीं मिलता है। ये जेटकिंग में बहुत ही अच्छा, बहुत मैं कहूँगा बहुत अच्छा है जो प्लेटफॉर्म दी है, चीज़ बहुत अच्छी दी है। और हमको ऐसा ही सर होना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मालूम है उनको शायद अब इस चीज़ के द्वारा मालूम होगा कि ये एक हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सर बस ठीक है, तो नॉर्मली आपका नाम क्या है? सर राहुल कुमार। कौन से बैच से आप? 821। अब ये बताइए हार्डवेयर मेला आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तो सर पहली बार देख रहा हूँ ये, और नई नई चीज़ देखने को मिला और कुछ पुराने चीज़ भी हैं जो अच्छे लग रहे हैं देखकर। और इसके बारे में कुछ कमेंट्स बोलिए। सर यूएसबी डीवीडी रैम मैंने नहीं देखा हुआ था ऐसा, तो मुझे देखकर अच्छा लगा। तेरी आवाज़ बंद हो जाती है मालूम होगा। ग्रीन कलर थोड़ा अलग होता है, रेड कलर थोड़ा अलग होता है, अलग अलग होता है।
नहीं कर रहा हूँ, चलाना शुरू करेगा तब तो दिखेगा ना कुछ भी है कि नहीं। ये आपका जो है ये आपका सर ये यहां से योग कॉल अच्छा यूएसबी का ये कहां का ड्राइव कहां का काम ही नहीं इसका ड्राइव लोड कर रहा है टीवी का सेट आपने मार दिया नहीं काम कर रहा है जब आप योग में प्रॉब्लम राइट आपको फेस करनी पड़ती है कि आपकी अगर आप ऊपर से नीचे रोल कर रहा है तो प्रॉब्लम होती है वर्टिकल योग, तो वर्टिकल योग में क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसके ऊपर से वायर को वाइंडिंग कह रहा है या तो वाइंडिंग कहीं से वायर टूट जा रहा है या तो इसको जो कंट्रोल ये योग का पॉइंटर है ये आपका जो है some new things that I am going to introduce. Here the types of RAMs are there, some
This is a type of mobiness that is most used in the past. I think look, we can see that in a physical look it looks too big, but when we will think that in logical, when you put a data in it, I think it will not cancel that 1.44, less than that also. And here, laptop floppy drive, laptop floppy drive is having connected to the laptop. And this is a sample of a floppy that we use, but in today's world, we don't use it because the CD and DVD have been taken the place of it. And USB DVD RAM. And USB hard disk using through the, it's an, I think, external to the power also. Basically, hard disk, we have lots of samples of hard disk here, but the main thing is that we have the connectors. Like this hard disk support a SATA connector, and this one. KG and this all are IG. And here we have a we have a laptop hard disk. It's new, I think. I haven't seen it before. It's new for me. And floppy drive for a desktop. And this floppy cleaner for cleaning a floppy. What is drive? It's new. And here we have a CD room and DVD room that we connect to it. And this is a part of our network thing. And we can see external modem, switch, and a LAN tester here. And driving to this also a kit. This is the same word. And here, this also I think switch. And this is a router for connecting a different IP addresses. Here we have keyboards. This is a new technology. It's wireless. It's all as USB and PHU. Here the types of mouse are there. The new technologies, I think, wireless mouse, USB mouse, and a CD cleaner we can see here. And this KFT monitor and a LCD monitor. This is the old one, CRT monitor. An SM case for a desktop computer, U case this for a single computer, and we can see here it's a bigger one. We can use this for a, for a offices. Yeah, for more than 5-10 computers. And the blower for blowing and this is for cleaning. And we have old, such things for old laptops. This all doesn't support a CD also. This was used in before. Now we have few types of laptops that we use in our life. And we have a scanner for scanning, for making a hard copy to the soft copy. And this is the inside of scanner that we have mirrors and things. And this is a types of printers, laser printer, inkjet printer, and this one I think also so inkjet printer, and GHC printer. So that's all. Thank you. Good morning, friends, and dear good morning, sir, and dear friends. Today we are come in hardware mela to see the there many types of hardware devices. As we know, the starting set. As you like. As you know, there are the many types of motherboard. Motherboard 80486. This is a very old type of motherboard. And Pentium 4, Pentium 2nd. This is Pentium 3rd, and this is Pentium 4. Later, this is our used. And this is a server motherboard that we use in the server computer. And this is USB wireless adapter that is used for serving the internet. And this is PCI sound card. If we have not sound card in our desktop, or we use this sound card. And this is a USB card. And TV capture card. This is used for digital video. This is used for capturing the digital video. And this is graphic cards. And there are the many types of microprocessor. And we have the Pentium 4 and Pentium 3rd. 80486 is the oldest one. And this is a microprocessor for Pentium 2nd. This is CPU pin. This is used for cooling. And this is display card. LAN card, SCSI card, modem card, and this is wireless LAN card. And these are RAM. This is random access memory.
एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम. जैसे डीडीआर थर्ड इज डीडीआर थर्ड रैम इज यूज फॉर लेटेस्ट लेटेस्ट कंप्यूटर SATA connector. And IDI hard disk for IDI connectors. This is floppy drive and this is floppy cleaner used for the clean the floppy. This is CD-ROM and DVD-ROM. This is switch and external modem. This is screwdriver, printing tools and hubs used for the connector computer. This is router. This is a keyboard, USB keyboard. This is used through USB ports. And this is a keyboard used through P2 and PS2 ports. And this is wireless keyboard. We can use wireless keyboard to 3 to 5 meters. And this is a mouse. This is optical mouse and USB mouse, PS2 mouse and wireless mouse. This is CD tuner, LCD, TFT monitor. This is CRT monitor. Now we don't use CRT monitor because we have many harmful rays to which effect on our eyes. So don't use. So we use TFT or LCD monitors and LED. Now LED is most latest. And this is SMPS. This is used for power supply to our computers. And this is my UPS. Uninterrupted power supply. Also UPS. This is UPS. For server. Okay. Start. So, बेटा ये हार्डवेयर मेरा आप लोगों के लिए है ताकि आप अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सको, पता चल सके कि इंडस्ट्री में क्या है, क्या चीज़ें और नहीं आ रही हैं और आपके यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है. ये नहीं होना चाहिए, एक मेंटल ब्लॉकेज नहीं रहना चाहिए आपके पास कि ये चीज़ हमें नहीं बताई. जो आपके डाउट्स अभी आपको आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामाशंकर हैं, विश्वेश्वर जी हैं, मनीष मिश्रा हैं यहाँ पे, तो आप इनसे पूछिए, कन्फर्म कीजिए कि आपको क्या क्या ये चीज़ें हैं क्या और क्या इंडस्ट्री में इनका यूज़ है. ठीक है, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ इस मेले का, अपनी नॉलेज में इन्हांस करो. ओके सर. थैंक्स के आप लोगों की वजह से आज ये नई नई क्रिएटिविटी हम कर पाते हैं और उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों का सहयोग. जो आप लोग हमें आपके फीडबैक आते हैं यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं. तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप स्टूडेंट ये चीज़ें रहें, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और जो भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हें अपने सर से पूछें. आप बेहतर करेंगे, आप इंडस्ट्री में बेहतर करेंगे, हमें खुशी होगी, हमारा नाम होगा. तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ईमानदारी के साथ अच्छे से मेहनत करके सीखें और अपना, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने परिवार का, अपने कौम का, अपने देश का नाम रोशन करें. ठीक है, अगर आपको वर्टिकल योग में प्रॉब्लम है, आप देखा होगा अक्सर जो है लेफ्ट से राइट मूव करता है पिक्चर हाफ तक. अगर वर्टिकल योग में प्रॉब्लम है तो आप पिक्चर ऊपर से नीचे रोल कर. अगर कभी मॉनिटर में ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको चेंज करना होगा, दूसरा लगाना. उसके अलावा ये आपका है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन का है आपका.
आप लोग अभी कैमरे की तरफ थोड़ा देख लेना बीच बीच में। तो बीच में देख लेना इधर तो घूमना देख सकते हो बोर्ड पे। घूमना आसान है बाहर आने के लिए यहाँ पे लिखो कोई ये करना है ये अलग से होता है क्या जैसे मैंने तुम्हें वीडियो वाला छोटा सिस्टम कलर फोटो वगैरह दिखाए थे 2 लाख 4 घंटे तक ऐसे इसके द्वारा जाना था जैसे सी ड्राइव कंप्यूटर आप इससे चलाते हो आज इसको 15 घंटे तक आप ठीक है अगर मान लो प्लस का लोड दी जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी तो इसमें 5 वोल्ट की नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम आएगी ये पोर्ट इंसर्ट देखा भी होगा ये लॉजिकल पोर्ट का काम था डिवाइस के ऑनलाइन जैसा लॉजिकल डिवाइस ठीक रहेगी बट ये लॉजिकल पोर्ट डालेगा हमें उसे सेंस करना है मैंने बताया था ये कलर चला जाएगा तो ऐसा ऐसा कलर दिखाई देगा आपकी वजह नहीं ये कलर नहीं होगा तो ऐसे ऐसे दिक्कत ट्रांसफार्मर ही काफी हैवी मिनी इन्वर्टर वो बीजी इंसर्शन था और ये पूरे इन्वर्टर और यूपीएस में डिफरेंस नाउ वी कम टू ये आपका पावर सप्लाई है एसएनपीएस पावर सप्लाई है इसे आप आगे पढ़ोगे और एसएनपीएस पावर सप्लाई का काम होता है विकास मतलब के लिए डिवाइस का इक्विपमेंट करने के लिए और बीजी जिसके लिए ये आपका एसएनपीएस है जो कि मदर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है और आपके सारे डीवीडी राइटर पानी बोला कुछ से दिया उसके बाद ये आपका मॉनिटर है ये जो मॉनिटर है आपको जो नाम दिखा हुआ सीआरटी मॉनिटर ये मॉनिटर की पहचान का है होता है ये मॉनिटर भी आपका जो है आपके जो वीडियो बोलो ना क्या करना है ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि हम जब कंप्यूटर पे काम करते तो हमें जा कंप्यूटर यहाँ रखना है तो वहाँ तो अपडेट नहीं करेंगे बाद में कंप्यूटर में सारे अपडेट करना था इसलिए हमको वायदे कमी पड़ी राम देखिए
आप यहाँ पे देखोगे वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, तो इन नेटवर्किंग डिवाइसेज में ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड राउटर। राउटर आपका राउटर होता है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह होता है, जो सीपीयू होता है ना, उसकी जो प्राइस होती है 75,000 से 7.5 लाख। अब आप लोगों का राउटर का यूज क्या है, राउटर का मेन ये यूज होता है कि राउटर ये क्या करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। सपोज दैट आप इसी किराए पे लेते हो, आप केबल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि केबल का जो 20 वाल होता है काफी महंगा होता है, आप उसे क्या करते हो, देते हो महीने महीने के लिए, आप ले लेते हो, आप इसे अपने घर पे इसलिए यूज कर सकते हो, काफी कॉस्टली है। ये कहाँ पे लगा होता है, ये एयरटेल में लगा होता है, आप ये क्या करते हैं, और क्या करते हो ले लेते हो, ठीक है। तो ये महंगा है, ये राउटर है, ठीक है, ये आप ये अपना आईएसपी क्या लगा होता है, ये भी होता है, तो